एक गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। उस मेले में घूमने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। एक दिन पड़ोस के गांव में रहने वाला नन्हे अपनी पत्नी शालू से कहता है, जी सुनती हो, पास वाले गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है, क्यों ना हम भी घूमने चलें? घूमने फिरने की बात सुनकर शालू बहुत खुश हो जाती है और हंसते हुए नन्हे से कहती है, घूमना फिरना किसको अच्छा नहीं लगता स्वामी, लेकिन तुम्हारी माँ भी तो है घर पर, ये जैसे ही सुनेंगी अपना मुंह बना लेंगी। शालू की बात सुनकर नन्हे बोलता है, बात तो तुम सही कह रही हो शालू, एक काम करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं और चुपचाप घूमने चलते हैं। नन्हे की बात शालू को समझ आ जाती है और अगले दिन वो दोनों नन्हे की माँ से छुपकर घूमने चले जाते हैं। मेले को देखकर शालू बहुत खुश होती है। पतिदेव मजा ही आ गया, कितना बड़ा मेला है ये और कितने अच्छे अच्छे झूले लगे हैं यहाँ। फिर शालू और नन्हे मेले में पूरे दिन घूमते हैं। तभी उनके पास से एक आदमी गुजरता है जो कि शैतान जैसा लग रहा होता है। शालू उसे देखकर डर जाती है और नन्हे से कहती है, अजी सुनते हो, शाम हो गई है, हमें चलना चाहिए, मुझे डर लग रहा है, अभी अभी यहाँ से भूत गया है। शालू की बात सुनकर नन्हे हंसने लगता है और बोलता है, क्या कहा तुमने, भूत? अरे तुम थक गई हो, भूत भूत कुछ नहीं होता, वैसे भी ऐसे मेले में भूत क्या करेगा। फिर शालू और नन्हे मेले से जाने लगते हैं। तभी उन दोनों को वहाँ बच्चे के रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर दोनों रुक जाते हैं। चलो ढूंढते हैं बच्चे को, बेचारा किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। फिर शालू और नन्हे आवाज की दिशा में बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक 4-5 साल का बच्चा दिखाई देता है। दोनों उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम कौन हो और यहाँ इतनी दूर क्या कर रहे हो, क्या हुआ? अंकल मैं राजू हूँ, मैं अपने माता पिता के साथ मेला घूमने आया था, लेकिन मैं उनसे बिछड़ गया हूँ, मुझे उनसे मिलवा दो। ऐसा कहकर वो बच्चा फिर से रोने लगता है, जिसे देखकर शालू को उस पर दया आती है और वो लड़के से बोलती है, तुम चिंता मत करो बेटा, हम तुम्हारे माँ को जरूर ढूंढेंगे, लेकिन अभी तो मेला बंद हो गया है और रात भी हो गई है, क्यों न तुम हमारे साथ चलो, कल हम यहाँ आकर तुम्हारे माँ बाप को फिर से ढूंढ लेंगे, यहाँ रात में रुकना ठीक नहीं है। फिर शालू और नन्हे उस बच्चे को लेकर अपने घर आ जाते हैं। घर पर नन्हे की माँ दया उन दोनों का गुस्से से इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो उन तीनों को देखती है, गुस्से में बोलती है, आ गए दोनों गुलछर्रे उड़ा कर, माँ की चिंता तो है ही नहीं, क्या खाया क्या पिया, तुमको स्वाद मिलना चाहिए जिंदगी का, बस ऊपर से कल मुही बहू और मिल गई है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। दया की बात सुनकर नन्हे गुस्से में बोलता है, क्या माँ, जब देखो तुम शालू के पीछे पड़ी रहती हो, उसे मैं ले गया था अपने साथ। तभी दया की नजर बच्चे पर पड़ती है। बच्चे को देखकर दया उन दोनों से बोलती है, गए तो तुम दो थे, ये तीसरा कौन है जिसे पकड़ कर लाए हो, अरे किसका बच्चा है ये। फिर नन्हे दया को मेले में हुई सारी बात बताता है, जिसे सुनकर दया को गुस्सा आ जाता है और वो नन्हे को गुस्से में बोलती है, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या, किसी को भी रास्ते में से उठा लाओगे, चलो इसे जहाँ से लेकर आए हो वापस वहीं छोड़ कर आओ। दया की बात सुनकर नन्हे दया से बोलता है, माँ इतनी रात को इस बच्चे को कहाँ छोड़ेंगे, कल इसे हम मेले में ही छोड़ आएंगे, जहाँ से इसके माता पिता गायब हुए हैं, अभी इसे रात में घर पर ही रहने दो। नन्हे की बात सुनकर दया अपने कमरे में चली जाती है। नन्हे और शालू बच्चे के पास जाते हैं। फिर नन्हे और शालू
राजू को अपने कमरे में ही सुला लेते हैं। रात में राजू उठता है और घर के बाहर निकलकर बैठ जाता है। तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है। राजू का भी शरीर बदलने लगता है और वो शैतान बन जाता है। मेरे बेटे कैसा है तू और ये नया परिवार कैसा लगा तुझे? चुड़ैल की बात सुनकर शैतान बोलता है, नया परिवार, माँ एक बार मौका मिल जाने दे, फिर इनको तो कच्चा ही खा जाऊंगा। अगली सुबह दया घर के बाहर निकलती है। चारों तरफ बकरी का खून और हड्डियां बिखरी होती हैं। ये देखकर दया घबरा जाती है और चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर नन्हे और शालू बाहर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ नास पीटे, ये देख अपनी बकरी को कोई मार कर खा गया है, ये जरूर किसी शैतान का काम है। नन्हे और दया ये देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन फिर नन्हे बोलता है, अरे माँ कोई जानवर होगा, तुम भी ना कुछ भी हो, शैतान और भूत करने लगती हो। फिर नन्हे और शालू राजू के माता पिता को ढूंढने के लिए वापस मेले में जाते हैं, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई नहीं मिलता। वो दोनों खाली हाथ घर वापस आ जाते हैं। घर में घुसते ही राजू उन दोनों से पूछता है, आप दोनों को कहीं मेरे माँ बाप मिले, आपने जरूर उन्हें ढूंढ लिया होगा। राजू की इतनी प्यारी बात सुनकर शालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, तुम चिंता मत करो राजू बेटा, हम तुम्हारे माता पिता को जरूर ढूंढ लेंगे और फिर मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। राजू शालू के गले लग जाता है। अगले कई दिनों तक नन्हे और शालू राजू के माता पिता को मेले में ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। एक रात राजू उठता है और घर के बाहर निकलता है। बाहर चुड़ैल उसका इंतजार कर रही होती है। क्या हुआ राजू बेटा, तू कई दिनों से मुझसे नहीं मिला, नाराज है क्या? तुझसे यार नाराज नहीं, नहीं माँ, बस मुझे मौका नहीं मिला। फिर चुड़ैल और शैतान मिलकर गांव में जा रहे एक आदमी को मार कर खा जाते हैं। उसके बाद जब भी मौका मिलता, चुड़ैल और शैतान गांव के लोगों को मार कर खाने लगते हैं। गांव वाले अपने लोगों को मरते देख परेशान हो जाते हैं। एक दिन दो गांव वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं। पुत्तन भैया, ये अपने गांव में कोई शैतान आ गया है लागत है, रोज के रोज कोई मर रहा है। सही कह रहे हो भाई, लेकिन हम भी क्या करें, हम इंसानों के बस की बात कहाँ है इनसे मुकाबला करना है, अब तो राम ही बचावे। उधर राजू को भी कई दिन हो जाते हैं गांव में। एक दिन शालू नन्हे से बोलती है, एक बात बोलूं जी आपको, अगर बुरा ना मानो तो क्यों ना हम राजू को गोद ले लें, वैसे भी इसके माता पिता का तो पता है नहीं। शालू मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माँ को तो तुम जानती हो कितनी गुस्से वाली है। ऐसा कहकर नन्हे वहाँ से चला जाता है। एक दिन राजू कमरे का दरवाजा खोलकर चुड़ैल से मिलने जा रहा होता है। दया उसे बाहर जाते देख लेती है और उसका पीछा करती है। राजू के पीछे पीछे चलने लगती है। फिर एक जगह जाकर राजू रुक जाता है। वहाँ चुड़ैल आ जाती है और राजू भी शैतान के रूप में बदल जाता है। ये देखकर दया घबरा जाती है। तभी चुड़ैल दया को देख लेती है और पकड़ लेती है। तो बुढ़िया, तू हम दोनों का पीछा कर रही थी, अब हम दोनों ही तुझे मार कर खा जाएंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल और शैतान दया को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पुत्तन और गांव वाले आ जाते हैं। उधर गांव वालों का शोर सुनकर नन्हे और शालू भी वहाँ आ जाते हैं और राजू को शैतान बना देख शालू बोलती है, मैं तुझे अपने बेटे की तरह देख रही थी और तूने मुझसे झूठ बोला। शैतान किसी के बेटे नहीं होते। शैतान की बात सुनकर गांव वालों को गुस्सा आ जाता है और वो लाठी और डंडों से उन्हें मारने लगते हैं। तभी शालू जाती है और साधु बाबा को लेकर आती है। साधु बाबा
उन्हें मंत्रों के जाप से कैद करके ले जाते हैं।